माननीय अशोक जी के, माननीय महेंद्र जी के, ये हर समय ये कहते रहते हैं कि आपका कार्यक्रम मेरा प्रदेश मेरा क्षेत्र में कहां है। आदरणीय माननीय गढ़ हर समय इनका इस क्षेत्र का विकास के हर समय इनका यही इच्छा रहता है कि प्रदेश सरकार के तरफ से आप कुछ कीजिए। पूर्व वक्ता लोग बहुत कुछ कहे लेकिन मैं बताना चाहता हूं आज ये जो हमें अधिकार मिला है कहिएगा तो ये बहुत 6.5-8.5 करोड़ का टेंडर है, 6.5-6.5 करोड़ में कितना ये नहीं सरकार हुआ है, ये 15 महीना में बनेगा, ये बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा हम लोग काम के लिए हम लोग आए हैं, एक मुख्यमंत्री एक पोखरी सौंदर्यकरण के आया है, ये बात नहीं है। हमारी उपस्थिति, सरकार की उपस्थिति, माननीय सदस्यगण की उपस्थिति ये दिखाता है कि आपके विकास के प्रति प्रदेश सरकार और हमारे माननीय गण कितना गंभीर है। आपको मैं बताऊं कि आज ये मुल्क में संघीयता है, आज मुल्क में संघीयता है तो आपके बीच में प्रदेश सरकार है और आपके बीच में जो मनावा के आदरणीय मेयर साहब बोले, अन्य मेयर साहब लोग बोले, जो कल के दिन में आप 2 करोड़ के बजट यूज करते हैं तो आज 2 अरब के बजट यूज कर रहे हैं। संघीयता का दिन, ये संघीयता कैसे कमजोर हो, ये संघीयता कैसे नाकाम हो, ये संघीयता कैसे समाप्त हो, आज संघीय सरकार इसी चक्कर में है, इसी उद्देश्य के साथ काम कर रहा है। लेकिन मेरा भी इस पर यही हर समय प्रदेश सरकार एक प्रदेश में के मुल्क में 7 सरकार है प्रदेश का, लेकिन आप देखते होंगे कि ये मुल्क में रहा उत्पीड़न में रहा समुदाय के हक अधिकार के लिए जो ये संविधान हम सबको जो काम करने का कार्य क्षेत्र दिया है उसको ईमानदारी का साथ पालन हो, उसके साथ किसी किस्म के बेईमानी नहीं हो। हर समय कोई सरकार लड़ता है तो प्रदेश 2 का सरकार है, हमारी शुरू से ही सोच रहा है। हम आंदोलन करते थे तो हमारी लड़ाई के संदर्भ में लड़ाई की दौरान हम कहते थे कि हम लोग अपना सरकार बनाएंगे तो हमारी शासन होगी, हमारी प्रशासन होगी। हम लोग कहते थे कि हम अपने विकास हम खुद करेंगे। हम कहते थे कि आज हम यहां के लोग नौकरी के लिए वो बाहर नहीं जाएंगे, हम यही करेंगे। अब यहां के रहने वाले महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं होगा, दलितों के साथ भेदभाव नहीं होगा, जो उत्पीड़न में रहा हुआ समुदाय के साथ भेदभाव नहीं हुआ, सबके साथ समान व्यवहार होगा। ये संदर्भ में शुरू से ही प्रदेश सरकार गंभीर रहा है। आपको मैं बताऊं किसी कंटेक्स में कहा जाए तो यह पहला प्रदेश है, हम लोग ले आए हैं प्रहरी एन, अब बहुत जल्द ही वो बहुत बहाना में संघीय सरकार समायोजन में विलंब कर रहा है, समायोजन नहीं हो समायोजन, हम लोग प्रहरी एन बना चुके हैं, हम लोक सेवा आयोग एन बनाकर लोक सेवा गठन कर चुके हैं, हमारी प्रादेशिक निजामती सेवा का विधेयक जिस दिन हाउस खुलेगा 2 दिन में पास होगा। हम चाहते कि हमारी यहां के युवा आज दर दर के ठोकर खा रहे हैं, जगह में अप्लाई करते हैं, अगर मधेश आंदोलन नहीं रहता तो 2-4 विभिन्न कार्यालय में जो मधेशी चेहरा दिखते हैं, दलित चेहरा मुस्लिम चेहरा देखते हुए भी नहीं मिलता, ये मधेश आंदोलन का देन है जो चेहरा ये सब दिख रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं
कि हम अपना प्रहरी यही बनाएंगे। जो अधिकार हमें संविधान दिया है कि यहां के युवाओं के हम प्रहरी में भर्ना करें, यहां के युवाओं को हम सरकारी जागीर निजामतीकरण जागीर हम दें, इस अभियान में प्रदेश सरकार लगा है। आपको मैं बताऊं, अब विभिन्न कारण से समायोजन का विलंब किया जा रहा है, विभिन्न कारण से जो संघीय निजामती सेवा विधेयक है वो विभिन्न कारण से उसको नेटवर्क के कटिंग पीछे किया जा रहा है, सदन में नहीं पेश किया जा रहा। इसका एक ही उद्देश्य है कि प्रदेश दो के सरकार वहां के युवाओं की सरकारी जागीर नहीं दे, पुलिस में जागीर नहीं देती है। लेकिन हमारे भी परम है, हमारा भी कहा जाए तो हम भी डटे हुए हैं कि तुम जितना भी रोक लो और आने वाला दिन में चाहे वो सर्वोच्च अदालत में मुद्दा ही करके क्यों नहीं हो, हम सारे चीजों लेंगे जो संविधान हमें दिया है। संविधान तुम्हारे लिए भी है वही है, संविधान हमारे लिए भी वही है। आपको मैं बताऊं, प्रदेश दो के सरकार यहां के युवाओं के लिए, यहां के हमारी जो बेरोजगार युवा आज दर दर के ठोकर खा रहे हैं, चाहे विदेश के हो, रेगिस्तान हो, खाड़ी मुल्क के, चाहे भारत के विभिन्न राज्य हो, वहां जाकर काम कर रहे हैं, यही उनको काम मिले। बहुत सारा योजना है आदरणीय जनसमुदाय। मैं बताऊं कि प्रदेश दो का सरकार सामाजिक रूपांतरण के क्रम में जो काम किया है आज तक, ये बहुत सारा कहिएगा ये संघीय सरकार और बहुत प्रदेश ही करने वाला नहीं है। ये पहला प्रदेश है जहां महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षण किया गया है, 50% हमारी। ये पहला प्रदेश है जो जातीय समुदाय जितना है उतना जातीय समुदाय का सीट आरक्षण करके हम लोग प्रहरी हैं और प्रदेश निजामती सेवा के लिए गए। आपको ये प्रदेश के भीतर अगर महिला 51% है तो उनका आरक्षण मिलेगा। मान लीजिए कि 10 जो पुलिस इंस्पेक्टर को हम निकालेंगे तो 10 महिला होगी, तो 10 महिला में कैटेगरी 10 सीट होगा, उसमें आरक्षण के अंतर्गत 5 पुरुष होगा तो 5 महिला भी होगी। अगर दलित अगर 18% है, अगर दलित के लिए अगर 10 सीट इंस्पेक्टर को होता है तो दलित 10 पुरुष में 10 में 5 पुरुष होगा और दलित 5 महिला होगा। ये पहला प्रदेश है और ये पहला प्रदेश है जहां ये प्रदेश में बेटी जन्म दे ही और 3 लाख के बीमा होता है। ये बेटी यहां जन्मते ही लखपति बनती है। ये दुनिया में पहला प्रदेश है कि जहां बेटी जन्मते ही उसको बीमा किया जाता है। मैं छोड़ दीजिए इंडिया का कोई भी प्रदेश, इंडिया में भी बहुत सारा छोरी उज्ज्वल क्या बहुत सारा कार्यक्रम है, लेकिन जन्मते ही बेटी के नाम पर बीमा कहीं भी नहीं है, लेकिन ये प्रदेश दो दिया है। बहुत कारण से हम लोग 3 लाख। मैं मेयर साहब से अनुरोध करना चाहता हूं, मलालवा का मेयर साहब, अन्य मेयर साहब, हम बहुत जल्दी आ रहे हैं क्योंकि ये 2 वर्ष एक कोरोना के कारण से हमारी अभियान बहुत सारा स्थगित हो गया। पूर्वक्ता लोग कह चुके हैं यहां सचिव लोग वही भेजा जाता है जो प्रदेश सरकार का सहयोग करता है, यहां कर्मचारी वही अब डिप्लॉय किया जाता है जो प्रदेश सरकार को काम नहीं करने देता है। इसलिए बहुत जल्दी हम आने वाले हैं और आदरणीय मलालवा के मेयर साहब, हम प्रत्येक मलालवा के भीतर जितना बेटी 2075 माग एक गति से जितना बेटी जन्मी है वो सारे बेटियों को 3 लाख बनाया है। मैं आपसे भी आप लोग मेयर साहब से अनुरोध करना चाहता हूं कि 3-3 लाख आप छापकर 6 लाख बनाइए। आपसे मेरा अनुरोध, इन मुझे लगता है हरदम हंसते रहते हैं मेयर साहब हर कार्यक्रम में, और आज ये हंस के ही उठ के सब कह देंगे हम बनाएंगे। बुझिए आप किसी भी चाहे वो झुपड़ी में बेटी जन्मे और चाहे महल में जन्मे, हमको बहुत खुशी लगता है कि बड़े बड़े डॉक्टर लोग फोन करके कहते हैं हमारे जो वॉलंटियर्स हैं
हमसे कहते सीएम साहब कहाँ हमारा वो होगा, और मैं आऊंगा और बहुत जल्दी हम लोग आदरणीय सौम्य साहब लोग हैं उन लोगों के साथ मैं बैठक करूंगा, खुद मैं पैसा भेजूंगा। मेरा स्कीम है कि वहां से भी हो जाए, नहीं तो मेयर साहब खुद आपके अकाउंट में पैसा आएगा, आप खुद और आप किसी बैंक से आप उसको एग्रीमेंट कीजिए। हो सकता है जो हम लोग वहां से करके भी किसी को टोक दें सब प्रदेश के, नहीं तो आपके खाता में आएगा, आप भी उतना ही पैसा थपिए। आए प्रदेश के एमरंगा के भीतर जितना बेटी जन्मी है वो सब बेटियों के 6 लखिया बना दीजिए मेरा, आप भी धन हो जाइएगा, हम भी धन हो जाएंगे। ये मेरा आपसे अनुरोध है और ये अभियान है सामाजिक रूपांतरण के संदर्भ में। बड़ी अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है, आज कुछ दिन से ये प्रदेश के भीतर आप देखे होंगे दलितों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार हो रहा है, हमारे दलित बच्चियों के साथ जो बहुत सारा लोग हमारी समाज जो राक्षसी प्रवृत्ति, मैं तो चाहता हूँ वैसे व्यवहार करने वाला हमारे बेटी बहनों के साथ व्यवहार करने वाला का ये मुलुक के संविधान अलाउ नहीं करता है, नहीं तो मैं मांग करता हूँ उन लोगों का फांसी के सजाए हो वैसे हत्या हो। लेकिन प्रदेश दो के सरकार, एक प्रदेश के भीतर सबसे ज्यादा जातीय समुदाय किसी का है तो दलितों का है, वो 18% है। यही चीज को ध्यान देते हुए ये पहला प्रदेश है। इंडिया में भी रामविलास पासवान ले गए लेकिन उतना प्रोग्रेसिव नहीं जितना हम बनाए हैं। आप देखेंगे तो ये प्रदेश के भीतर दलित जितना दलित है उनकी सुरक्षा के जातीय भेदभाव नहीं हो तो वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गृहमंत्री और प्रहरी का जो प्रमुख डीआईजी जो हो वो लगायत के जितना माननीय दलित सांसद है उसका परेन सदस्य है वो सारे सदस्य का निर्णय करके हम लोग तुरंत कार्रवाई करने का। हमने रौतहट में जो घटना हुआ इमीडिएट हम लोगों ने वो प्रहरी का सस्पेंड करके कार्रवाई किया जाए, हम लोगों ने अपना प्रक्रिया शुरू किया, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया जब हमारी प्रहरी अपना हो जाएगी तो हम करेंगे वैसे दलित के साथ भेदभाव करने वाले लोगों को। और इतना ही नहीं, दलित के जो बेटा बेटी है उस शिक्षा पढ़ना चाहता है तो उनको उस शिक्षा प्राप्ति के लिए उनको खाने बैठने उनके फी के लिए देगा प्रदेश सरकार। कुछ हम लोग जैसे कि जेटीए है, नर्सिंग है और बहुत सारा टेक्निकल एजुकेशन है, दलित के बच्चियों के लिए हम लोगों ने छात्रवृत्ति का मैंने स्कीम किया, बहुत सारा कार्यक्रम दलित बच्चों के लिए, दलित के लिए राशन कार्ड से लेके बहुत हमारी वो एन के अंतर्गत एन बना चुके। और मैं जानकारी कराऊं अभी हमारे प्रदेश प्रमुख जो है वो माननीय तिलक कहिएगा प्रिया, जो जिंदगी भर दलितों के अधिकार के लिए लड़े हैं, वो हमारे प्रदेश में आए तो पहला जो हमारे विधेयक प्रमाणित किए एन बनाए वो दलित सशक्तिकरण विधेयक था, उन्होंने इस पर सिग्नेचर किया। ये पहला ये ऐतिहासिक है जो एक दलित गवर्नर दलित प्रदेश प्रमुख अपने सिग्नेचर किया वो दलित सशक्तिकरण विधेयक का। दलितों का कैसे इंपावर्ड किया जाए, दलितों को कैसे मजबूत किया जाए, दलितों को कैसे सशक्त किया जाए, ये सारे हम लोगों ने स्कीम लेकर आए हैं। आप लोगों का लगता होगा कि बहुत सारा तापिक भिन्नता नहीं, हो सकता है कुछ समय लगेगा, हो सकता है कुछ समय लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं जितना भी संघीय सरकार अभी के जितना भी अभी वाली सरकार डिस्टर्ब कर ले, लेकिन आने वाला दिन में हम अपना पुलिस भरना करेंगे, अपना ये सारे कानून के करेंगे, हम बनाएंगे अपना पुलिस, हम बनाएंगे अपना प्रशासन, हम बनाएंगे अपनी शासन और अपनी प्रशासन। यहाँ के शांति सुरक्षा की जिम्मेवारी संविधान हमें दिया है, यहाँ के शांति सुरक्षा हमारी जिम्मा अंतर्गत है, हम लेंगे और यहाँ जो भी हमारे शांति सुरक्षा के भीतर जो काम होता है हम लोग करेंगे, भले ही थोड़ा समय लग रहा है। इसके साथ साथ ये हमारे बीच में आप लोगों को मैं जानकारी करूं, समय भी कम है, कि आप देखे हुए कोविड में यहां भी मेयर साहब ने एक प्रस्ताव रखा कि हमारी बजट के लिए मलबुआ के लिए हम लोगों ने पहला बार मैं सबों से बात किया। एक बैठक में हमारे मेयर साहब भी थे हरिओम के बैठक में, मैं उनसे कहा भी वो भी सुने
हम आठों जिला में प्रमुख जिलाधिकारी हो चाहे वो हॉस्पिटल का मेसू हो, हम लोगों ने इतना पैसा भेजा कि उसका आधा तक खर्च नहीं किया। इन लोगों का खर्च करने का ढंग नहीं था। अगर खर्च करने का ढंग रहता उनके सामने ने सीडियो कहा दे मेरे पास पैसा है, हमर भेज गया था। हाँ, इनका भेज गया। हर समय हम लोगों ने बहुत सारा कहिएगा जे हॉस्पिटल तो वैसा ही पैसा भेज दिया। बहुत सारा कहिएगा अभी भी प्रमुख जिलाधिकारी उनके सामने में प्रमुख जिलाधिकारी जी मौसम महिला बनी पैसा कहे बोलिए। हाँ, और बहुत सारा जगह पर उन लोग खर्च भी नहीं कर पाए। ये हमारी दुर्भाग्य है, हमारे सिस्टम का कमजोरी है। प्रदेश सरकार खरीद एन के शादी खरीद एन के छोटो प्रक्रिया से खरीद करने के लिए सारे काम करने के लिए 3 दिन के भीतर कोई भी एग्रीमेंट कर सकता है। वो हम लोगों ने निर्णय किया, कैबिनेट से निर्णय किया और विशेष परिस्थिति का घोषणा किया जो कोई काम करने वाला आदमी का दिक्कत नहीं हो, लेकिन काम करने का ढंग नहीं होने वाले के लोग के लिए बहुत समस्या। हम लोगों ने ये पहला प्रदेश मैं कहूं एक एक बार तो हमने 68 करोड़ का वेंटिलेटर 50,000 वेंटिलेटर वीडीएम लगाया के सामान खरीद करने के किया, लेकिन बहुत सारा कारण है, बहुत सारा हडल पूर्वक्ता कर चुके हैं जो हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, काम करने का जो तरीका है वो तरीका क्या है, पैसा भेज दीजिए वो देखता रहेगा लेकिन वो काम खर्च नहीं करता है। देखता है कि उसमें क्या फायदा है तब उसमें हाथ लगाता है। यही दुर्भाग्य। तो इसलिए आपको इसी तरह ये आठों प्रदेश में प्रदेश सरकार निर्णय किया है। तो ये जो संघीय सरकार लॉकडाउन घोषणा करने से पहले आठों जिला के प्रमुख जिलाधिकारी के हम लोगों ने 50-50 लाख भेजा था, 50-50 लाख भेजा था। उसके बाद भी अभी आया प्रमुख जिलाधिकारी के 50 लाख रुपया। उसके बाद कितना बार आइसोलेशन, कितना बार बहुत सारा जगह हम लोगों ने पैसा दिया, लेकिन जितना हमने खर्च किया हमारी आधा भी दूसरा प्रदेश नहीं किया है कोविड ने। कोई भी सेंट्रल मंत्री के हमने 10 बार अभी भानुभक्त ढकाल दिए हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी, अन्य मंत्री जी लोगों को मैं बहुत रिक्वेस्ट किया है, भाई आप यहाँ के इंचार्ज है, आप यहाँ के नेता है, आप स्वास्थ्य ये महामारी प्रदेश का भीतर का क्षेत्र नहीं है, प्रदेश का क्षेत्राधिकार नहीं पड़ता है, वो स्थानीयता का क्षेत्राधिकार नहीं पड़ता है। महामारी संविधान ने क्या कहा है, महामारी के संबंध में सब अधिकार, सब काम करने का जो जिम्मेवारी होता है संघीय सरकार का होता है। लेकिन तो भी अगर इस संघीयता नहीं रहता, ये प्रदेश सरकार नहीं रहती, ये स्थानीय पालिका नहीं रहता तो दुर्दशा क्या होता आप कल्पना कर सकते हैं। ये सारे चीज हम लोगों ने कह करके दिखाया है। आज के दिन में आपको मैं बताऊं, आठों जिला में आज पीसीआर मशीन जमा हो रहा है। आठों जिला में हो सकता है कि टेक्सटाइम विभिन्न कारण होता है, उजान खरीद, ये हमारी जो सिस्टम है बहुत ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बहुत स्लो है, बहुत सारा चीज है। किसी भी किस्म के ये पैंडेमिक में, ये महामारी में हमारी जो अपना प्रयास है हम लोगों ने नहीं छोड़ा। बहुत सारा हम लोगों का कार्यक्रम अभी भी संचालन में, आप देखे होइएगा कुछ वक्ता ने कहा ये रोड के, ये रोड इसलिए नहीं बना, ये रोड पहले बनना चाहिए, ये रोड उत्तर पूरा पश्चिम जो हाईवे है उससे पहले बनना चाहिए, इसका अस्तित्व पहले था, इसलिए नहीं बन पाया कि मधेश में था, यहां मधेश क्यों रहता है इसलिए नहीं बन पाया। अगर ये रोड बना रहता तो मरनवा का दुर्दशा यह नहीं रहता, ये रोड बना रहता यहां का विकास होता, सबसे विकास का पहला पूर्वाधार रोड का विकास होता है, लेकिन यहां नहीं बन पाया। इसलिए नहीं बन पाया कि यहां लोग मधेसी रहते हैं, यहां लोग कमजोर लोग रहते हैं, उनको अगर रोड बना दिया जाए, उनको अगर सिंचाई की व्यवस्था कर दिया जाए, उनकी बाजार का व्यवस्था कर दिया जाए, वहां उनके हेल्थ पोस्ट की व्यवस्था कर दिया जाए। पूर्व मेयर साहब लोग का है शिक्षा का, दुर्भाग्य है। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय उपेंद्र जी का, जो उनके पास जो स्वास्थ्य मंत्रालय था कि स्वास्थ्य का सभी हम लोग पाए हैं, हॉस्पिटल पाए हैं, यहाँ के बहुत सारा हर जिला में 3 जिला में इन लोगों का वो एनएम में स्वास्थ्य कार्यालय था। उन्होंने 77 जिला में भी
स्वास्थ्य कार्यालय दिया। आज जो स्वास्थ्य के कर्मचारी हमारे पास है तो ड्यू टू माननीय भूपेंद्र यादव जी है, ड्यू टू उन्हें के चलते आज है। जाइए शिक्षा में देखिए, आज माननीय कहिएगा गिरिराज मणि यही कहिएगा हमारी महोत्री का है, लेकिन उन्होंने आज भी लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई ये बिल्कुल प्रदेश के क्षेत्राधिकार के भीतर होता है और संघीय क्षेत्राधिकार के भीतर नहीं होता है। लेकिन आप चले जाइए, आप ही के जिला के जो नवलपुर का भगवान है आज भी संघीय, चूंकि ज्यादा बजट है, ज्यादा एरिया है। आप चले जाइए बागमती का जो आप देखिएगा वो अभी संघीय सरकार का है, नारायणी सिंचाई देखिए संघीय सरकार का है, जनकपुर का मत्स्य देखिए, नक्ता झील देखिए, आपका कमला देखिए, क्यों है? इसलिए है कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोगों का जो यहाँ प्रदेश सरकार है वहां काम करे हर समय सही में। यहाँ कुछ होता है, यहाँ कुछ काम होता है तो आप लोगों में खुशी लगता है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमारे मेयर साहब ने कहा सरकार के लिए ये 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनकी पैसा के बांट फांट की नीति क्या है? आप चले जाइए भारत में जहां क्वेश्चन फेडरल आर्थ संघीयता है, वहां 65% से ज्यादा प्रदेश में बजट दिया जाता है, लेकिन आपको यहां 15% से भी ज्यादा नहीं है। वो तो बजट बांटफाट होता है, 30% कहा जाता है, 15% 751 जो पालिका है महानगर से जो गांव पालिका तक और 7 प्रदेश में बांटा जाता है। 30% जितना डोनर एजेंसी है, जितना बड़े बड़े आपको कहिएगा जो देश है जो सहयोग करता है वो संघ करता है, हमारे से कुछ बात भी कर लिया तो प्रदेश सरकार को सही पूरा करे, हम लिखा ही बहन, हम ये जानकारी है बहन, मानो क्यों सोचते हैं कि हमारे मालिक है, हमारे अधिकार है। मनुष्य संघीयता में तो गया लेकिन इनकी मानसिकता है, इनकी चरित्र है, इनकी व्यवहार संघीयता नहीं हुआ। यही अब हमारे काम करने का महत्वपूर्ण कहिएगा ये हडर, एक बड़ी हडर है हमारे सामने, एक बड़ी कठिनाई है, इनकी मानसिकता में संघीयता नहीं गए। हर समय यही सोचते हैं, प्लानिंग में रहते हैं कि संघीयता कैसे फेल हो, कैसे आए मधेसी, कैसे वही हम लोग भी शासन करते रहे, उन पर वही बूट बरसाते रहे, उन पर वही हम लोगों ने वही चीज अपनाते रहे, लेकिन ये मधेस है, ये गिरिजा प्रसाद जैसे लोगों का उतना बड़ा टावरिंग पर्सनैलिटी को 3-3 बार झुककर ये सहमति में ले आए, ये मधेस है, ये आंदोलन आज भी मधेसियों के बीच में वो जुनून, वो हिम्मत, वो लड़ने का ताकत अभी नहीं गया है, इसलिए मुझे विश्वास है। और ये आप कहिएगा कि ऐसे बहुत सारा चीज है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, आज भी मैं कहूं कि कहीं पर रोड ढलान होता हो, कहीं पर आपका स्कूल बनता हो, स्कूल का वाल बनता हो, कहीं हॉस्पिटल का कुछ सहयोग क्यों नहीं हो काम होता हो, वहां आओ देखिएगा, ज्यादा वेरीफाई किएगा तो वहां की तो प्रदेश का बजट है कि स्थानीय तह का बजट है। आज तो उनकी चले तो हर समय उनके तो अपना बजट अपना ही क्षेत्र से नहीं फुर्सत होता है, नहीं निकलता है बाहर, इसलिए व्यवहार में मुलुक संघीयता में है, लेकिन संघीय कह रहे ये सिद्धांत में संघीयता में है, लेकिन उनकी मानसिकता में संघीयता नहीं होने के वजह से सिंह दरबार के सिंह अभी सिंह दरबार के भीतर ही है, वो सिंह दर सिंह बाहर नहीं आए, इनकी ऐसे मिलेगा मंच तो भाषण कर देते हैं, लंबा लंबा भाषण करेंगे कि हम सारे अधिकार दे दिया, मानो ये बोलते हैं कि इनके ही हमारे मालिक है, हम इनकी दास है, एक संविधान यहाँ के कानून एक किसी को मालिक और किसी को दास नहीं बना रहा है, हम सब एक देश के नागरिक है, नेपाल हमारा है, मधेस हमारा है, मधेस संपन्न होगा तो मुलुक संपन्न होगा, मधेसी संपन्न होगा तो मुलुक संपन्न होगा, मधेसी राष्ट्रीय के अंदर चाकरी पाएगा, नौकरी पाएगा, तभी मुलुक संपन्न हो सकता है, सबका अधिकार समान होगा तभी मुलुक समृद्ध और विकसित हो सकता है, नारा में समृद्ध नेपाल और सुखी नेपाली नहीं हो सकता है, व्यवहार में करना है तो मधेसियों के साथ, दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ, महिलाओं के साथ हो रहा भेदभाव के अंत कीजिए, यही आज की आवश्यकता है। धन्यवाद, फिर बार एक बार फिर
माननीय जो है को मैं माननीय अशोक जी माननीय महेंद्र जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन लोगों ने हम लोगों के लिए आया और इनकी अथक प्रयास से एक छोटा सा एक तोहफा है और मुझे लगता है जो ये होगा तो ये मुझे विश्वास है हम आएंगे हम लोग साथ आए और निश्चित रूप से आप लोग के बीच में फिर आने के अवसर मिले यही ये अच्छा बने। और इंजीनियर भगवान जी से मैं कहना चाहता हूँ इमीडिएट काम शुरू करवाइए और 15 महीना का जो समय है उसी में संपन्न करवाइए और आज की आवश्यकता यही है यही दो शब्द के साथ और फिर ये कार्यक्रम समय में संपन्न हो शुभकामना देते हुए मैं विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।